हेलो एंड हेलो हाउ आर यू? फाइन ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास 4 एक्सरसाइज 8.3। ओके, आज हम एक्सरसाइज 8.3 को देखते हैं। इसमें हमको एक्सप्रेस करना है ग्राम में। ओके, एक्सप्रेस इन ग्राम। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 5 kg, है ना, 5 किलोग्राम दिया है। इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप मेमोराइज़ कर लीजिए कि 1 kg इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। ओके, ये आपको पहले याद करना है कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, देयरफॉर आप क्या करेंगे, 5 kg है तो आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 5000 ग्राम। ओके, हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे सेकंड देखिए, ये आपको मिक्स फॉर्म में दे दिया है 2, 1/2। तो आप इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 एंड प्लस 1 तो 5/2 हो जाएगा। ओके, आपको सेम मेथड वही करना है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयर फोर 2, 1/2 kg इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1000। आपने यहाँ पे क्या किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 आपने इसको कैंसिल कर दिया। ओके, तो आपको क्या मिला, 5 5 जा 25 एंड 0। ओके ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस इन किलोग्राम, पहले आपने क्या किया, एक्सप्रेस इन ग्राम किया। ओके, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम आपको पता है, तो आपको इसको सारे को वैसे ही बनाना है जैसे मैंने सेकेंड को बनाया है, सी डी ई एफ जी एच, ये सब आप सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, और आप सबमिट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्सप्रेस इन किलोग्राम, अब इसको किलोग्राम में सम करना है। ओके, कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो इसको kg में जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg लिखेंगे। ओके, जब हमको क्या करना था, kg में जब हमको कन्वर्ट करना था किस में, ग्राम में, तो हमने क्या किया, 1 kg को 1000 ग्राम लिखा। लेकिन अब हमको क्या करना है, कन्वर्ट हमको करना है kg में कन्वर्ट करना है, ग्राम दिया गया है, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। देयरफॉर आप यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे डिवाइड कर लोगे। ओके, 2000 ग्राम है इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 2000। आपने 1 2 3 1 2 3 0 जो है कैंसिल कर दिया, आपके पास 2 1 जा 2, 2 kg आपको बचा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं, ऐसे ओरली भी आपको पता होगा कि 2000 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, है ना। बट आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है और ऐसे लिखना है। ओके, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर बी, 3500 ग्राम। ओके, सेम आपको यही करना है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3500 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 3500। ओके, आपने इसमें भी आपको क्या करना है, 00 जो है आपको कैंसिल कर देनी है। ओके, आपके पास फिर क्या बच गया, 35/10। जब आप 10 से 35 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 3.5। ओके, आई होप आपको ये डिवाइड करना आता होगा, नहीं आता होगा तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 10 3 जा हो जाएगा आपका 30, है ना, क्योंकि 10 4 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपने ये किया। अब 5 में से आप 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आपके पास 5 बचेगा। 3 में से 3 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट ले लेंगे। ओके, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे। जब हम डेसिमल यहाँ पे लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम 10 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप इसमें 10 बढ़ा दिया, अब ये क्या बन गया आपका, 50 बन गया। अब आप 50 को 10 से इतनी बार मल्टीप्लाई, माने 10 की टेबल आप इतने टाइम्स पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो। ओके, तो 10 5 जा क्या होता है, 50 एंड 10 6 जा हो जाता है 60। ओके, तो 50 50 कट गया, 0 में से 0 क्रॉस, 5 में से 5 क्रॉस, तो क्या बचा आपके पास, आंसर जो है 3.5। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सी डी ई एफ जी एच ये सब बनाना है, ये आपका होमवर्क है, सेल्फ आप बनाओगे। ओके, और आप सबमिट करोगे। ठीक है, 8.2 का आप लोगों ने किसी ने सबमिट नहीं किया है तो 8.2 भी आप जल्दी कैरी करिए क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, और इसको भी आप जल्दी सॉल्व करिए और इसको आप ग्रुप में भेजिए। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ए दिया है क्वेश्चन, मनीषा एंड रोहित आर पैकिंग स्वीट्स फॉर न्यू ईयर। ठीक है, हाउ मेनी 25 ग्राम पैकेट्स एंड कैन दे पैक इन अ 400 ग्राम बॉक्स। ओके, मनीषा और रोहित क्या कर रहे हैं, स्वीट्स पैकिंग कर रहे हैं किसके लिए, न्यू ईयर के लिए। हाउ मेनी 25 ग्राम पैकेट
कैन दे पैक, अगर 25 ग्राम के पैकेट बनाते हैं है ना, तो 400 ग्राम में कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितने पैकेट्स बनेंगे। ओके चलिए देखते हैं इसको। टोटल वेट ऑफ स्वीट्स आपको कितना दिया गया है, 400 ग्राम दिया गया है। वेट ऑफ स्वीट्स पैक 25 लिखिएगा यहाँ पे, इन वन पैकेट इज इक्वल टू 25 ग्राम। ओके क्या है वेट ऑफ स्वीट्स पैक इन वन पैकेट, 25 ग्राम। एक पैकेट में कितना है, 25 ग्राम है, और कितनी स्वीट्स हमको पैकिंग करनी है, 400 ग्राम्स। ओके टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स क्या हो जाएगा, आप 400 को 25 से डिवाइड कर दोगे। ओके तो ये जो आपका आंसर है, यही 16 पैकेट जो है वो बनेगा आपका। ओके ये 16 आप पैकेट लिखोगे, ये आपका पैकेट है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कि 400 ग्राम्स में कितना बनेगा है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे कन्वर्ट।